बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि में किया जाता है होलिका दहन। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली में जितना महत्व रंगों का है उतना ही महत्व होलिका दहन का भी है। रंग वाली होली से एक दिन पहले होली जलाई जाती है जिससे होलिका दहन भी कहते हैं। फिर फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को अग्नि जलाई जाती है। होलिका दहन के साथ ही बुराइयों को अग्नि में जलाकर खत्म करने की कामना की जाती है। होलिका दहन कब है? पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास की पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है, यानी रंग वाली होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इस बार होलिका दहन 9 मार्च सोमवार को किया जाएगा, जबकि रंगों वाली होली 10 मार्च को मंगलवार को खेली जाएगी। होलिका दहन के बाद से ही शादी और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। मान्यता है कि होली के 8 दिन पहले तक भक्त प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी गई थी। इस काल को होलिकाष्टक कहा जाता है। होलिका अष्टक मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 9 मार्च दिन सोमवार को शाम 6:26 से रात 10 बजे तक ही है। होलिका दहन का महत्व होली सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसका धार्मिक महत्व भी सबसे ज्यादा है। होली के एक दिन पहले किए जाने वाले होलिका दहन की महत्वता भी सर्वाधिक है। होलिका दहन की अग्नि को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन की राख को लोग अपने शरीर और माथे पर लगाते हैं। मान्यता है ऐसा करने से कोई भी बुरा साया आसपास नहीं भटकता। होलिका दहन इस बात का भी प्रतीक है, अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कोई बुराई आपको छू भी नहीं सकती। जैसे भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति और इच्छा शक्ति की वजह से अपने पिता की बुरी मनसा से हर बार बचकर निकले। और होलिका दहन बताता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती है और उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। यह हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। अब हम दिखाएंगे आपको जैन की भस्म आरती सिंगार महाकाल का। उज्जैन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। महाकाल में होली। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज से होली के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह भस्म आरती में यहाँ सवा कुंटल फूलों से होली खेली गई है। पंडित पुजारियों द्वारा महाकाल और भस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालुओं के साथ पुष्प वर्षा कर होली खेली गई महाकाल के साथ। आज शाम 7 बजे संध्या आरती के बाद विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में होलिका दहन किया जाएगा। इसके बाद भव्य रूप से अबीर रंग गुलाल के साथ होली खेली जाएगी। देश भर में सबसे पहले होलिका दहन बाबा महाकाल के आंगन में ही किया जाता है। इस दौरान भजन संध्या होगी जिसमें भोलों के भक्तों पर भक्त नाचते गाते हुए होली का जश्न मनाएंगे। I'm going to go to the hospital.